5000 कुछ चला है प्लस, है ना। चार्ज कितना लिया है बोल रहे थे आप? अब देख सकते हो ये रिसेंटली अभी कल ही का है, ये हमें स्टार्टिंग से ही या फिर ये बहुत प्रॉब्लम, ये हमेशा प्रॉब्लम करता है। इसमें एक दिक्कत है, जब अपन स्पीड में चलते हैं कलर दूसरे में तो स्टार्ट हो गया, 4 महीने में फेड हो गया कलर। बाइक को जैसे अपन ऑन करेंगे तो इंडिकेटर को लेफ्ट साइड में 1 2 3। गाड़ी तो बेस्ट है, लेकिन अगर इस रेंज में लेना है तो एमटी ले सकते हैं इससे। एमटी एमटी से क्यों ऐसा कुछ? हे गाइस, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है यार। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ ऑनरशिप रिव्यू। एफजेड का टॉप मॉडल है ये, तो इसका आज हम लोग रिव्यू देने वाले हैं। ऑनरशिप रिव्यू क्या होने वाला है इसका, तो देखते हैं और बने रहना वीडियो में पूरा एंड तक, ताकि आप लोग को पूरा इसके बारे में पता चले 2023 में आप लोग को इसे बाय करना चाहिए या नहीं, ये आप लोग थंबनेल देख कर ही पता चल गया होगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो इसके ऑनर जो है अभी, हाँ, तो मनीष भैया है। तो आज हम लोग पूरा ऑनरशिप इन्हीं से देखना चाहते हैं कि क्या है कैसा है। इनको 4 महीने हो गया ना अभी बाइक को चलाते, 4 महीने हो चुका है, तो इसको देखते हैं पूरा कि क्या इसमें निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट क्या चीज अच्छा लगता है आपको अभी 4 महीने में अभी राइड करते? भाई गाड़ी तो कम्फर्टेबल है इस रेंज में, अगर स्पोर्ट बाइक में देखा जाए तो बहुत अच्छा कम्फर्टेबल है, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा कम्फर्टेबल है। और प्राइस कितना पड़ा था ये आपको? 1,70,000 रुपए में कब, 4 महीने पहले। और अभी इसका ऑन रोड प्राइस वही सेम है या फिर आगे पीछे कुछ होगा? ऐसा है, सेम है। तो फर्स्ट इसका माइलेज कितना है क्या कुछ बताइए आप? 45 से 50 के एवरेज तो मिल जाता है अगर अच्छा मेंटेनेंस रखेंगे तो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? सर्विसिंग आप बाहर से नहीं किया अभी तक? नहीं अभी तक बाहर से नहीं। सर्विसिंग हो गया इसका? इसका अभी तीसरा सर्विसिंग हो गया, तीसरा सर्विसिंग हो गया अभी जस्ट रिसेंटली, कल हुआ था इसका ना। हाँ, सर्विसिंग हाँ, के लिए गया हाँ, था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था तब करवाया था सर्विसिंग। अच्छा हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया था बता रहे थे आप? ब्रेक शू चिपक गया था उसके नाम से, पूरा गाड़ी में ना वाइब्रेशन और मजा नहीं आ रहा था चलाने में। तो फिर अभी तो मैं फिलहाल करवाया हूँ सर्विस, तो बहुत अच्छा है। और चैन वगैरह में कोई दिक्कत अभी तो नहीं है? लगभग आप स्पोर्ट के साइड चला रहे हैं या तो फिर ज्यादा स्पीड भगा रहे हैं तो फिर आपको हो सकता है हर 4 महीने में इसका लुक कराना पड़ेगा, हाँ, चेंज करवाना पड़ेगा। चैन को इसको कवर देना था बट ये चीज इसका मेन यार, क्योंकि बार बार इसको लुक कराना पड़ता है बीच बीच में, मतलब हफ्ता दो हफ्ता में बता रहे थे ऐसा, तो वो चीज इसका बैड है। और बाकी टायर वगैरह से स्पीड अब कितना की हुई इसमें? स्पीड 120-130 की स्पीड में टॉप स्पीड, मतलब उतना ही इसका। कितना आ जाता है इसमें पेट्रोल, कितना आ जाता है इसमें? अभी 12 लीटर 12 लीटर मतलब इसमें आ जाता है पूरा। और बाकी इसमें कुछ फीचर्स वगैरह कुछ अच्छा, जो साइड लाइट वगैरह कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट के लिए कुछ आया था ना इसमें? हाँ, अभी तो लॉक आ गया है, पैटर्न आ गया है इसमें, यूज करते हैं। कैसा है उसका, मतलब वो अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है? नहीं, वो बेकार लगता है, क्योंकि आप कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं और चाबी बंद है, फिर आप उसको चालू करेंगे, फिर इंडिकेटर देंगे, लॉक तोड़ने तक में बहुत टाइम हो जाता है। अच्छा, मतलब इसका कैसा है वो बता देते आप एक बार स्टार्ट करके बाइक को? बाइक को जैसे अपन ऑन करेंगे तो इंडिकेटर को लेफ्ट साइड में 1 2 3 और 4 बार करेंगे, फिर इसके बाद में ही चालू होगा। अच्छा, ऐसे में स्टार्ट हो रहा है? हाँ, ऐसे जैसे इसमें लॉक है ये परमानेंट है, इसको हटा नहीं, नहीं सकते? हटा सकते हैं, मैं जैसे हटा दिया हूँ, अभी चाबी निकाला हूँ, इंडिकेटर दबाने की जरूरत नहीं, चाबी ऑन किया, चालू हो गया। अच्छा, ये भी है, मतलब दोनों अपने मर्जी से कर सकते हैं ऐसा इसका ना। बाकी डिस्क का ब्रेक इसका कैसा है आगे पीछे दोनों? बढ़िया, जोरदार ग्रिप तो बहुत अच्छा है इसका। हाँ, क्योंकि आप रोड से चिपक के चलती है गाड़ी, इसलिए मेरे को बहुत बेटर। स्पीड अप होता है तो ऐसे लहराने टाइप से ऐसा कुछ नहीं? और आवाज वगैरह भी? इसमें एक दिक्कत है, जब अपन स्पीड में चलते हैं तो जब मिरर में पीछे का देखना रहता है तो वो वाइब्रेट होता है, क्लियर नहीं दिखता है पीछे, मतलब वाइब्रेट वाला। वाइब्रेशन की इसमें क्या है, मतलब 4 महीने हो गया वाइब्रेशन इसमें, स्पीड अप करते हैं तो वाइब्रेट होता है? शुरू से लेकर अभी तक है, ये थोड़ा सा मेरे को लगा इस गाड़ी में, क्योंकि मैं मिरर लगाया हूँ तो पीछे देखने के लिए लगाया हूँ, ठीक है।
और इसमें क्या चीज है, जैसे इसमें तो ये वाला कैसे है, ये हमें स्टार्टिंग से या फिर ये बहुत प्रॉब्लम, ये हमेशा प्रॉब्लम करता है। आप गाड़ी लोगे ना ये हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा। अभी 4 मंथ हो रहा है, बट इसमें देख सकते हो कितना गेप दिख रहा है। ये पास से बता दूं आपको, ये पूरा चिपका हुआ रहता है। बाकी दूसरे में तो फैट हो गया, 4 महीने में फैट हो गया कलर इसका। और कुछ इसमें चैन का, इसका और कुछ क्या बोल रहे थे, इसका चैन का बहुत संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि चैन क्लीनिंग और चैन स्प्रे ही 400 का बिल बन जाता है भाई। अच्छा, अभी आप जो इसका चार्ज कितना लिया है बोल रहे थे आप, चैन इस पॉकेट का नहीं, ब्रेक शू का लगा हुआ है, ब्रेक शूज का, उसका बिल रखे आप? बिल रखा बताना। तो भाई अभी देखना आप लोग कितना चार्ज लेता है यामाहा का जो है एक ब्रेक शूज का ही। बस आप देख सकते हो ये रिसेंटली अभी कल ही का है, 1245 रुपए है ना यामाहा का। शोरूम से ये सर्विस हुआ है, देख सकते हो इतना ज्यादा चार्ज है सिर्फ एक ब्रेक शूज का ही बस। तो ये चीज इसमें कम करना चाहिए भाई। इसमें सर्विस कितना, 5 सर्विस फ्री रहता है। अभी 4 सर्विस हो गया है, कितना किलोमीटर में करना रहता है इसका? पहला तो 1000 में करना रहता है, दूसरा 3000 में करना रहता है, और तीसरा आएगा आपका 5000 में। अभी कितना चल गया गाड़ी इसका? 5000 हो गया है, 5000 कुछ चला है प्लस, है ना। और कुछ फीचर्स नहीं दिया इसमें इंडिकेटर वगैरह का? इसमें देख रहा था अभी इंडिकेटर, जैसे ऑन करना इंडिकेटर का, इसमें नोटिफिकेशन जैसे आता है ये सब नहीं है इसमें। अच्छा, ये वाला है यहाँ पे, और अपर डीपर का इसका ये वाला। अच्छा, इसका लाइट नाइट में कैसा है इसका सामने? बढ़िया है, जोरदार है, अपर डीपर जैसे भी सही है। एक चीज और अच्छा है, जैसे कि कोई इंजन में प्रॉब्लम है कुछ भी आता तो ये लोगो आ जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। लेकिन इसका दिक्कत ये भी है कि हमारे लोकल सर्विस सेंटर सर्विस में इसको हटा नहीं पाते इन लोग, इसके लिए हम लोगों को रायपुर या बिलासपुर जाना पड़ता है। अच्छा, अभी जो अपन बना रहे हैं ये छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से बना रहे हैं ये वाला जो बाइक का जो रिव्यू, तो अपने सर्विस सेंटर में दिक्कत जाता है ये हटाने, ये जैसे सर्विस कराते थे हटा नहीं पाते वो लोग, इसके लिए अपने को रायपुर जाना पड़ता है यार। ये चीज मेन दिक्कत है, बिना स्टैंड का ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, ऐसा है क्या? स्टैंड में जैसे देखते गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये एक अच्छी चीज है। साइड स्टैंड का, साइड स्टैंड जैसे रहता है तो चालू रहेगा, मतलब ऊपर नहीं करते तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा है। स्टार्ट हो गया, करेंगे, अच्छा बंद हो गया ना ऑटोमेटिक ये। अच्छा, इसका क्या बोलते हैं गियर का क्या है हाल, हार्ड है या फिर नॉर्मल है? नॉर्मल है, बढ़िया सही है। इसका ग्राउंड फ्लोर यार सही है इसका, इससे दिक्कत नहीं होता। इंजन के लिए भी प्रोटेक्शन लगा हुआ है, देख सकते हो अच्छा खासा। बाकी तो सब सही है अभी तक, आप जैसे राइड कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम या फिर और कुछ? गाड़ी तो बेस्ट है, लेकिन अगर इस रेंज में लेना है तो एमटी ले सकते हैं। एमटी, एमटी से क्यों ऐसा कुछ एमटी में? इसमें कुछ बढ़िया है, इससे तो अच्छा ही है, एक ही रेंज है। हाँ, ये लगभग 20,000 के आसपास ऊपर है वो, बाकी इससे अच्छा है गाड़ी, इससे अच्छा है। करंट में इसलिए लिया हूँ क्योंकि वहाँ अवेलेबल नहीं था एमटी, इसलिए अच्छा पड़ा अर्जेंट में। प्राइस में मतलब थोड़ा सा ज्यादा एमटी, बट इससे अच्छा है, ऐसा है। तो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ घंटे भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।